हेलो बच्चों, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये खास करके 12 बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जैसा कि नाम से स्पष्ट है, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियो का मतलब पोटेंशियल से, मीटर का मतलब मेजरमेंट से, मीटर का मतलब मेजरमेंट से, है ना। तो पोटेंशियोमीटर में क्या करते हैं हम, एक्चुअली इसमें हम लोग दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करते हैं और दूसरा इंटरनल रेसिस्टेंस को निकालते हैं। क्या करते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस को निकालते हैं, मतलब सेल के इंटरनल रेसिस्टेंस को निकालते हैं विथ द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, और ये हमने कहा ही कि बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और इवन कंपटीशन के लिए भी है। और ख़ास बात यह है कि यह एक एक्सपेरिमेंट है। क्या है, यह एक एक्सपेरिमेंट है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर में होता क्या है, सबसे पहली बात पोटेंशियोमीटर में होता क्या है, इसमें जो वायर यूज होता है वो कॉन्स्टेंटन और मैगनिन का वायर यूज होता है, और यह जो एक एलॉय है ना, कॉन्स्टेंटन और मैगनिन का वायर यूज होता है। और यही क्यों यूज होता है, तो इसके पीछे अंदर की बात यह है कि यह जो एलॉय है इसकी खास बात यह है, इसकी खासियत ये होती है कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके हिसाब से रेसिस्टेंस, इन जनरल आपको पता है कि किसी भी कंडक्टर का, किसी भी मेटल का बढ़ता है, और बढ़ने का तो इसमें भी बढ़ेगा लेकिन इसमें जो बढ़ने का रेट होता है वह बहुत कम होता है, बहुत कम से बढ़ता है, ये इसकी खासियत है। कुछ लोग फिगर झांक के देख रहे हैं तो इसलिए हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक है, ताकि फिगर में कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप देख लीजिए, बना लीजिए, सुकुमार बाल बच्चेदार बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। चलिए, तो बात समझ गए। तो यहाँ जो है हमने कहा कि इसमें कॉन्स्टेंटन और मैगनिन का वायर यूज होता है ना, और इसके पीछे अंदर की बात यही है कि इसमें टेम्परेचर के बढ़ने से रेसिस्टेंस बढ़ता तो ज़रूर है इसलिए, लेकिन कम से बढ़ता है, बढ़ने का जो रेट होता है वो बहुत ही कम होता है। बढ़ने का रेट क्या होता है, बहुत ही कम होता है, ठीक है, और इस वजह से ये वायर यूज करते हैं। और याद होगा इसके पहले हमने आपको मीटर ब्रिज बताया था, उसमें भी कॉन्स्टेंटन और मैगनिन का वायर यूज होता है, ठीक है। तो इसके पीछे बात अंदर की यही थी। और दूसरी बात यह है कि पोटेंशियोमीटर में ये जो आप देख रहे हैं ये 7 से 8 मीटर का वायर यूज होता है। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये जो आप वायर देख रहे हैं ये ऐसे यहाँ से ये गया, फिर यहाँ पर ये जो है ये ब्रास स्ट्रिप होता है, इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया गया, और यह जो आपका ये ब्रास स्ट्रिप होता है इसका रेसिस्टेंस नेग्लिजिबल होता है, मतलब कम से कम होता है, और ये वायर ऐसे करके घूमा, फिर यहाँ पर ये आया, फिर इसको ब्रास स्ट्रिप से कनेक्ट कर दिया गया, फिर ये वायर ऐसे करके घूमा, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया गया स्क्रू से, फिर ये ऐसे करके घूमा, फिर यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया गया। तो इसमें जो है 7 से 8 मीटर, 10 मीटर तक भी वायर यूज होता है। अब फिर इसमें 7 से 8 मीटर या लंबा वायर यूज होने के पीछे अंदर की बात यह है कि जितना वायर लंबा रहेगा गलती उतनी कम होगी, क्योंकि यह एक्सपेरिमेंट है। वायर जितना लंबा होगा उसमें एरर कम से कम आएगा, मिनिमम एरर आएगा,
इसलिए इसमें लंबा वायर यूज करते हैं। लेकिन सवाल है कि 7 से 8 मीटर या 10 मीटर तक का वायर अगर हम उसको सीधा ऐसे करके खींचें और उसके बाद एक्सपेरिमेंट करें तो 10 मीटर का तो ये कमरा भी नहीं, इसकी लंबाई चौड़ नहीं है, है कि नहीं? 10 मीटर, समझ रहे हो, है ना? 10 मीटर काफ़ी जो है ज़्यादा हो जाता है, तो उतना बड़ा हॉल उसके लिए चाहिए। सबसे पहले तो एक ही ऑपरेटर्स में पूरा हॉल भर जाएगा, आई बात समझ रहे हो, क्लियर हुआ कि नहीं? है ना, जो नीचे वाला हॉल है वह जो है उसकी लंबाई 10 मीटर की लगभग है, ठीक है? तो सोच लो यहाँ से वहाँ तक में पूरा जो है एक एक्सपेरिमेंट आ जाएगा, एक ऑपरेटर्स आ जाएगा, तो एक हॉल में, बड़े हॉल में एक ऑपरेटर्स आएगा, बाकी ऑपरेटर्स कहाँ जाएगा, ठीक है? तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, वायर तो अब लेना मजबूरी है, तो इस वजह से क्या करते हैं उसको थोड़ा छोटा करने के लिए घुमाते हैं, और कोई खास बात नहीं है। क्या करते हैं, छोटा करने के लिए उसको हम लोग इस तरह से, ताकि यह जो है जगह कम ले, इस तरह से इसको घुमा करके यहाँ पर लगाते हैं। और यहाँ पर जो है ये देख रहे हैं ये स्केलिंग किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर क्या होता है, ये स्केलिंग किया हुआ है, स्केल जैसे 0, 10, 20, यहाँ पर ये 100 तक है, ये स्केलिंग किया हुआ है, ठीक है? और मेरा काम क्या है पोटेंशियोमीटर में, हमने कहा कि पोटेंशियोमीटर में करते क्या हैं, दो ईएमएफ का कंपैरिजन करते हैं। क्या करते हैं, दो ईएमएफ का कंपैरिजन करते हैं, मतलब दो सेल के ईएमएफ का कंपैरिजन करते हैं, और दूसरा इंटरनल रेसिस्टेंस को निकालना, ये हमारा काम होता है इसमें, इस एक्सपेरिमेंट में। तो अब यहाँ पर ये जो 8 से 10 मीटर का वायर यहाँ पर इस तरह से घुमा घुमा करके यहाँ पर लेते हैं, अब ये इसी के बदले सिंपल फिगर यहाँ पर इसी का बना हुआ है कि अब इसी वायर को सीधा एक ही लाइन में ऐसे ले लिया गया है, समझने के लिए, आई बात समझ में? इतना कितना घुमाते रहेंगे, तो फिगर एक्चुअल यही है, लेकिन फिर समझने के लिए आपको इसको बनाना है, है ना? इससे आप काम चला सकते हैं, लेकिन इसको भी बनाना है, एग्जाम में इसको बनाना है, ठीक है? फिर उसके बाद समझने के लिए हमने इसी का एक सब फिगर लिया है, यही वायर यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर 8 मीटर 10 मीटर जो भी है, ठीक है? ये इसी का ये फिगर है, ये बात समझ में आ गया? ये जो वायर को घुमा घुमा करके यहाँ पर दिए थे, इसी को हमने क्या किया, इधर स्ट्रेट कर दिया, आई बात समझ में? क्या किया, इधर स्ट्रेट कर दिया, बस फिगर यही है, बाकी इसी का ये फिगर है। यहाँ भी देखिए ये बैटरी है, और ये तो आरएच का मतलब क्या होता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस, और ये तो स्विच है ना, बाकी सब कुछ यही है। इस वायर को हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसा खाली खींच लिया सीधा, ठीक है, क्लियर हो गया? अब हम इस फिगर को हटा दें, अब इस फिगर की कोई ज़रूरत तो अब नहीं है, हटा दें ना, हाँ या नहीं? चलो ठीक है, तो इसको हम हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग समझ गए कि यही 7 से 8 मीटर का जो वायर है इसी को यहाँ पर घुमा फिरा करके हमने रखा था, अब यहाँ पर इसको सीधा स्ट्रेट कर लिया, अब फिगर थोड़ा सब देखने में आसान हो गया, हो गया कि नहीं हुआ, आसान हो गया, ठीक बात है? अब यहाँ पर देखो पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इस बात को लिख भी लें, थोड़ा लिखते भी चलें, विथ द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, विथ द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर, वी कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल एंड वी डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यह जो है यह इसका मेजर वर्क है, ये पोटेंशियोमीटर का काम है, विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल एंड वी डिटरमाइन द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस निकालते हैं, ये हमारा काम है। और पोटेंशियोमीटर में कॉन्स्टेंटन और मैगनिन का वायर
यूज़ किया जाता है या इसका एलवा यूज़ किया जाता है ना। इस बात को भी हम लोग लिख दें स्टार मार्किंग में, इन द पोटेंशियोमीटर, इन द पोटेंशियोमीटर वी यूज एलवाई ऑफ कॉन्स्टेंटन एंड मैगनिन। कॉन्स्टेंटन और मैगनिन का एलवाई यूज करते हैं और वायर में तो यूज होगा ही, बात समझ गए। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पोटेंशियोमीटर की प्रिंसिपल क्या है, क्या इसका प्रिंसिपल है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट यह है कि हमारे पास जो फॉर्मूला होता है V इक्वल टू आई आर होता है, फॉर्मूला हमारे पास V इक्वल टू आई आर होता है। फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर। अब ये बताइए कि R को हम क्या लिख सकते हैं, R को क्या दे सकते हैं, रो एल अपॉन ए, ऐसा दे सकते हैं। तो R को दे दिया रो एल अपॉन ए, I अपने जगह पर R को ऐसा दिया रो एल अपॉन ए, कोई दिक्कत इसमें, ठीक बात है। तो I रो एल अपॉन ए। अब ये बताइए जैसे I अगर कांस्टेंट हो, अगर I कांस्टेंट हो रो क्या है, रेसिस्टिविटी है, और या कोई भी जब फिक्स वायर है, फिक्स एल वाई है, तो ये भी क्या होगा, होना ही चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। उसके बाद अब ये बताइए इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, वायर कहीं मोटा और पतला नहीं हो, और इन जनरल होना भी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अच्छा से वो जवान आदमी जो आवाज़ में दम नहीं है यार, बात समझ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, मोटा पतला वायर नहीं लेना, एक जैसा लेना। इन जनरल तो ऐसा ही होता है, कोई भी वायर ऐसा देखो कि तार है तो कहीं मोटा हो गया कहीं पतला हो गया, है ना, अगर है भी तो उसको वैसा नहीं लेना, आई बात समझ में, है भी तो वैसा नहीं लेना, कैसा लेना, यूनिफॉर्म वायर लेना है। तो ये भी तो कांस्टेंट होगा, और ये भी अगर कांस्टेंट हो, ठीक है, रो भी कांस्टेंट हो, ए भी कांस्टेंट हो, और आई जो है ये कांस्टेंट हम लोगों को रखना है। आई तो बढ़ घट सकता है लेकिन आई को क्या करना है, कांस्टेंट हमें रखना है, कांस्टेंट करंट फ्लो कराना है, कांस्टेंट करंट पास कराना है। तो कहने का मतलब अगर तीनों कांस्टेंट हो, नहीं भी हो, तो कांस्टेंट मेंटेन रखना है, आई बात समझ में। तो अगर ये तीनों कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब, इसका क्या मतलब, तो इसका मतलब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर, और यही जो है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, ये पिलर कॉन्सेप्ट है जिस पर कि पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। तो कैसे वर्क करता है, अगर क्या क्या कांस्टेंट हो, आई कांस्टेंट हो, रो कांस्टेंट हो, और ए कांस्टेंट हो, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कांस्टेंट हो, बात समझ में आ रहा है। क्या क्या कांस्टेंट हो, आई कांस्टेंट हो, रो कांस्टेंट हो, और ए कांस्टेंट हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट हो गया, और जब ये तीनों फैक्टर कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया, आई बात समझ में। तो यही जो है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, इफ कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू द यूनिफॉर्म वायर, या यूनिफॉर्म वायर
ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम रेसिस्टिविटी। तो जब वायर आपका सेम रहेगा तो रेसिस्टिविटी भी नहीं बदलेगा, सेम वायर का रेसिस्टिविटी भी सेम रहता है। जैसे मान लो कॉपर का वायर अगर ले लें तो उसका रेसिस्टिविटी फिक्स है, कोई भी वायर होती, यहाँ पर भी ये फिक्स वायर है। जैसे मान लीजिए कि कॉन्स्टेंटन मैग्नीन का एलॉय है तो उसका रेसिस्टिविटी क्या होगा, फिक्स होगा। आई बात समझ में? तो अगर कांस्टेंट करंट पास करे और वायर कैसा हो, यूनिफॉर्म हो, ठीक है, और रो कांस्टेंट होने का मतलब वायर हर जगह सेम वायर होना चाहिए, है ना, सेम वायर होना चाहिए, वायर बदले नहीं। ऐसा नहीं कि एक जगह कॉपर दे दें तो एक जगह जो है आयरन दे दें तो एक जगह जो है कांस्टेंटन दे दें तो एक जगह एल्यूमिनियम दे दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई बात समझ में? तो यही जो है ये पोटेंशियोमीटर का ये जो है प्रिंसिपल होता है। ये बात आप लोग लिख लिए, ठीक है। तो अब इसको ऊपर वाला हम हटा देते हैं। अब जरा देखिए, तो यही जो है प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। तो क्या प्रिंसिपल है? इफ कांस्टेंट करंट इज पास्ड, कांस्टेंट करंट पास किया जाए थ्रू द वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम रेसिस्टिविटी कहें या सेम मटेरियल कहें, मटेरियल अगर सेम होगा तो रेसिस्टिविटी ऑटोमेटिकली सेम हो जाएगा, सेम मटेरियल, देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, लेंथ ऑफ द वायर। और यही जो है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, विच इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और यही जो है पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होता है, इसी पर पोटेंशियोमीटर काम करता है, ठीक है। तो अब देखिए, यहाँ पर देखिए, यह जो सर्किट है, यहाँ पर जैसे ये बैटरी लगा हुआ है, बाकी ये रियोस्टेट है, ये तो स्विच है, होना ही चाहिए किसी भी सर्किट में। और यहाँ तक ये जो है ये आपका कहलाता है, यहाँ तक इसको अगर हटा दें तो ये होता है आपका प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं इसको? मतलब अगर इसको यहाँ से हटा दें थोड़ी देर के लिए, देखिए इसको हटा दीजिए तो ये क्या कहलाया? प्राइमरी सर्किट। इसलिए यह तो होना ही है, यहाँ तक तो दोनों में होगा। हम लोग सेल का कंपैरिजन करेंगे, ईएमएफ ऑफ द सेल का कंपैरिजन करेंगे, उसमें भी होगा, इंटरनल रेसिस्टेंस निकालेंगे उसमें भी रहेगा। इसलिए क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? प्राइमरी सर्किट बोलते हैं। तो यहाँ पर ये और ये जो है ये, अब इसको यहाँ पर अटैच कर दिया। अब इधर वाला जो पार्ट हुआ इसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सर्किट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सर्किट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? बात समझ में आ गया? अंदर की बात यही थी कि ये जो है ये तो कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो ये वाला जो है सेक्शन रहेगा, ठीक है। आई बात समझ में? और ये जो है फिर एक्स्ट्रा है। तो अब यहाँ पर देखिए, ईएमएफ का कंपैरिजन हम करते कैसे हैं, ये लिख लिया आप लोग, यहाँ तक हो गया। इफ कांस्टेंट करंट इज पास्ड थ्रू द वायर ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड सेम मटेरियल देन पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर विच इज प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। और इसी प्रिंसिपल पर क्या करता है? पोटेंशियोमीटर वर्क करता है, पोटेंशियोमीटर काम करता है, ठीक है। अब जरा फिर जरा देखिए इसको, यहां पर क्या आया? वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो ऐसा दे सकते हैं के इंटू एल, के इंटू
एल, और यहां पर के क्या है, कांस्टेंट है। और ध्यान देने वाली बात है कि के कांस्टेंट तो जरूर है, अगर हम ये पूछें कि के का यूनिट क्या होगा, जरा बताओ तो, या अगर हम ये पूछें कि के जो है कौन सी क्वांटिटी होगी, ये बताओ तो, एनीबॉडी, कौन सी क्वांटिटी होगी के जो है, ये कौन सी क्वांटिटी होगी साहब? तो देखो के को क्या दे सकते हैं, वी अपॉन एल, तो वी क्या है, पोटेंशियल अपॉन लेंथ। तो पोटेंशियल अपॉन लेंथ का क्या मतलब हुआ, पोटेंशियल, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा है, क्या होगा, क्या होगा, किसी भी चीज में लेंथ से अगर डिवाइड किया जाए तो क्या होता है, वो ग्रेडियंट देता है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, वेलोसिटी ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन लेंथ, टेम्परेचर ग्रेडियंट, है ना। तो यहाँ पोटेंशियल अपॉन लेंथ, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पर के कौन सी क्वांटिटी है साहब, बोलो के कौन सी क्वांटिटी है, के कौन सी क्वांटिटी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। के कौन सी क्वांटिटी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है ढाल, इसका मतलब होता है घटने का रेट। तो पोटेंशियल के घटने का रेट, मतलब पोटेंशियल के फॉलिंग का रेट, मतलब किस रेट से पोटेंशियल फॉल कर रहा है। आई बात समझ में, पोटेंशियल के फॉलिंग का रेट ये होता है आपका के। तो जैसे देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा और हम के को समझें, क्योंकि के का जो फैक्टर है पोटेंशियल ग्रेडियंट का क्या मतलब हुआ। देखो जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक ये भी 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ मान लो पोटेंशियल है 20 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पर हो गया पोटेंशियल मान लो सपोज 16 वोल्ट, तो इसका मतलब 10 सेंटीमीटर में कितना से पोटेंशियल गिरा, 10 सेंटीमीटर में कितना से गिरा पोटेंशियल भाई, 4 वोल्ट से गिरा। तो 1 सेंटीमीटर में कितना से गिरेगा भाई, 4/10, मतलब 0.4 वोल्ट पर सेंटीमीटर, या मीटर हो तो मीटर, जो भी हो। आई बात समझ में, मान लो समझने के लिए आप मीटर ही ले लो, तो वोल्ट पर मीटर तो है ना, तो वोल्ट पर मीटर 0.4 वोल्ट पर मीटर, यही यहाँ पर के का वैल्यू हुआ। किसका वैल्यू हुआ, के का वैल्यू हुआ। समझ में आया, फिर समझो, हमने कहा जैसे मान लो इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो 20 वोल्ट और यहाँ पर कितना हो गया, 16 वोल्ट, है ना, तब बता सकते हो कि अगला 10 मीटर के बाद पोटेंशियल कितना होगा। अब आप बता सकते हैं कितना होगा, कितना होगा, बिल्कुल सही बात है, हर 10-10 मीटर पर 4-4 वोल्ट का पोटेंशियल का फॉलिंग हो रहा है। आई बात समझ में। अब ये बताओ, अगर हम ये कहें कि यहाँ से 2 मीटर के बाद कितना होगा, जरा बता दो, तो 2 मीटर के बाद, 2 मीटर के बाद कितना होगा, 2 मीटर के बाद 11.02, जोर से बोलो 11.2, बिल्कुल सही बात है। अब बात समझ में आ गया, कब इसके बाद फिर पूछें कि 1 मीटर के बाद कितना होगा तो बता सकते हैं। तो यह जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है, किसका मतलब हुआ, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब होता है। ये समझने के लिए था, लिखना जरूरी नहीं है, समझने के लिए हमने ये बात करी, ठीक है। अब यहाँ देखें तो ये समझ गए कि हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। अब देखो यह जो सेकेंडरी सर्किट जो बनाया गया है, अब इसका काम क्या है, मेरा टारगेट क्या है, 2 सेल के EMF का कंप्रीजन करना, क्या टारगेट है, फॉर कंप्रीजन या कंपेयर ऑफ EMF ऑफ टू सेल, EMF ऑफ टू सेल, जरा ध्यान दीजिए,
कंपेयर ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहां पर देखो, पहले क्या करेंगे, एक सेल यहां पर लिया, एक सेल यहां लिया, और उसके बाद यहां पर ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, और यहां पर ये जे फॉर जॉकी है, जैसे पेन टाइप का एक ऑपरेटस होता है ना, जैसे इसी टाइप का मान लो जैसा है ना, ऐसे करके जॉकी पकड़े इसको, तो यहां पर ये ऐसे यहां सटाना है, इसको क्या करना है, इसको सटाना है। ये जैसे मान लो सीधा अगर नंगा तार पकड़ोगे तो लगेगा, बस इसीलिए थोड़ा सा इसको जो कोटेड होता है, ये पेन टाइप का ऑपरेटस होता है, भीतरे भीतरे ऐसे तार घुसा दिया जाता है, इसको यहाँ पकड़ के छूना है, ऐसे बात समझ गए, ताकि मान लो अगर नेकेट तार पकड़ोगे तो हो सकता है कहीं मार दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, समझ गया, तो और कोई खास बात नहीं, ठीक है। ऐसे ऐसे यहाँ यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या करते हैं हम लोग, इसको इस तरह से सटाते हैं, ऐसे ऐसे करके सटा करके। अब क्या देखते हैं, पहले तो एक सेल लगाया, और जब एक सेल की बात अभी करेंगे तो दूसरा सेल को क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देंगे, हटाना जरूरी नहीं है, यह भी जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पर स्विच देने का यही मतलब है कि अगर इस सेल को अगर हमको इस सर्किट में लेना है तो इसको कनेक्ट कर दिया और इसको डिसकनेक्ट कर दिया, हटाना जरूरी नहीं है, आई बात समझ में, लेकिन थोड़ी देर के लिए आप लोग को हम हटा देते हैं, लेकिन हटाना जरूरी नहीं है, हटाना नहीं है, ठीक है। ये जैसा मान लो स्विच हमको बॉल बंद करना पड़ता है तो क्या करते हैं, स्विच पकड़ के खींच देते हैं क्या, है ना, ऑफ ऑन का सिस्टम है मेरे पास, ऑटोमेटिक ख़त्म हो गया वो, है ना। तो उसी तरह से यहाँ भी, जैसे यहाँ पर इस सेल को लेना था सर्किट में, तो यहाँ पर ये जॉकी को डिफरेंट पॉइंट पर टच करते हैं, और टच करा करके देखते क्या हैं, टच करा करके क्या देखते हैं, बैलेंस पॉइंट खोजते हैं, क्या खोजते हैं, क्या खोजते हैं, बैलेंस पॉइंट खोजते हैं, क्या खोजते हैं, जैसे मीटर ब्रिज में भी खोजते थे ना बैलेंस पॉइंट, मीटर ब्रिज में भी बैलेंस पॉइंट को खोजा जाता था, तो यहां पर भी जो है बैलेंस पॉइंट को यहां पर हम लोग खोजते हैं। और मान लो जैसे बैलेंस पॉइंट हमको जहां पर भी मिला, अगर यहां पर मिला तो ये मान लेंगे हम लोग L1, क्या मान लेंगे यहां पर L1, तो कहने का मतलब तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू L1, ये हो जाएगा E1 इक्वल टू K इंटू L1। अब फिर क्या करना है, अब इसको दूसरा सर्किट, इस सेल को हमको लाना था, अब इस सेल को कनेक्ट कर दीजिए, अब इसको कनेक्ट कर दीजिए, और इसको क्या कर देना है, ये अब ये डिसकनेक्ट हो गया, यहाँ से क्या हो गया, अब ये डिसकनेक्ट हो गया, तो अब ये कनेक्ट हो गया, तो फिर क्या किए, अब यह जो आपका E2 है और इसके लिए क्या किया, अब यहाँ पर देखो, फिर बैलेंस पॉइंट यहाँ पर खोजेंगे, हो सकता है बैलेंस पॉइंट अब एक बार यहाँ पर मिल जाए, तो E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, KL2 हो जाएगा, आई बात समझ में, क्या हो जाएगा, E1 KL1 और E2 इक्वल टू KL2, आई बात समझ में। और K जो भी होगा वह तो फिक्स है, K को यहाँ निकालने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए K जो है यह तो पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और ये किसका है, वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है, किसका पोटेंशियल ग्रेडियंट है, वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड हो गया, और जब यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर देंगे E1 अपॉन E2, तो क्या मिलेगा साहब, L1 अपॉन L2। तो इस तरह से हम लोग E1 और E2 का कंपैरिजन कर सकते हैं, और इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, दो ही चीज़ तो निकालना पड़ा, क्या क्या निकालना पड़ा, एक L1 को निकालना पड़ा, और दूसरा क्या निकालना पड़ा, L2 को निकालना पड़ा। तो इस तरह से इसको हम लोग कंपैरिजन कर सकते हैं, आई बात समझ में, बोलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है, पहले इसको लिख लीजिए फिर हम और डिस्कस करते हैं आगे। देखिए तो अभी हम देखें E1 और E2 का रेशियो निकालना है ना, कंपैरिजन किया दो सेल के ईएमएफ का, तो इसमें हम लोग क्या देखे, दो ही चीज को तो निकालना था, किसको किसको निकालना था, एक L1 को निकालना था और एक L2 को निकालना था, और यह जो है आराम से हम लोग जॉकी के सहारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर जा करके हम लोग एक बार L1 को निकाल लेंगे,
और एक बार L2 को निकाल लेंगे। जब ये कनेक्शन में लेंगे ये सेल को तो L1 निकलेगा, फिर इसको डिसकनेक्ट करेंगे यहाँ से, दूसरा सेल को कनेक्शन में लिया और यहाँ से L2 को निकाला और दोनों का कंपैरिजन कर दिया, और यहाँ पर K की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसलिए कि दोनों के ऊपर नीचे क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तो उसका तो मैदान ही साफ हो गया, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो E1 और E2 का कंपैरिजन हम लोग आराम से कर लिए। तो L1 और L2 को जानने के बाद आराम से हम लोग दो सेल के EMF का कंपैरिजन कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया ना। अब आइए फिर आप लोग ये फिगर बनाइए, और नेक्स्ट जो मेरा टारगेट है वह है इंटरनल रेसिस्टेंस को निकालना, है ना, टू डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल, टू डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल। तो अब देखिए हमने क्या किया, देखो यहाँ तक तो ये तो प्राइमरी सर्किट है, यह तो रहेगा ही, इसलिए हमने कहा कि ये प्राइमरी सर्किट है, ये तो रहेगा ही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये सेल लिया और इसका इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल आर है, ये स्मॉल आर इसके इंटरनल रेसिस्टेंस को इंडिकेट करता है, और यहाँ पर क्या किया, एक रेसिस्टेंस बॉक्स को लगा दिया। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, एक रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, ये छोटा सा ये बक्सा टाइप का होता है, उसमें कई रेसिस्टेंस लगा हुआ होता है, उसका चाबी टाइप का 10-20 रेसिस्टेंस उसमें लगा हुआ होता है, जिसको खोलोगे, मान लो हमको 20 ओम का रेसिस्टेंस देना है तो 20 ओम वाला खोल लो, मतलब 20 ओम का रेसिस्टेंस हो गया, 100 ओम का रेसिस्टेंस हमको उसमें डालना है 100 ओम वाला खोल, तो वो 100 ओम का रेसिस्टेंस हो गया। और एक ऐसा भी होता है जिसमें लिखा होगा इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, तो उसको खोल लो, तो क्या कर दिया, वो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस को क्रिएट कर दिया। और इनफाइनाइट रेसिस्टेंस का क्या मतलब है, डिस्कनेक्ट कर दिया वहाँ से, और कैसा नहीं कि इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ला दिया, बड़ा आसान चीज़ है, जैसे दो तार को काट दीजिए, बीच में गैप, रेसिस्टेंस इन्फिनिटी, रेसिस्टेंस इन्फिनिटी, नो करंट, आई बात समझ में, तो हल्का तार जहाँ बीच से कट गया तो रेसिस्टेंस इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी भी रेसिस्टेंस होता है, उसमें इनफाइनाइट वाला खोल लीजिए, तो इसका मतलब वो डिस्कनेक्ट, मतलब इनफाइनाइट रेसिस्टेंस, बात समझ गए। ये एक रेसिस्टेंस बॉक्स होता है, उसमें 10-20 चाबी टाइप का लगा होता है, जिसको आपको खोलना है खोल सकते हैं, ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस बॉक्स हो गया, और यहाँ पर ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, और फिर यहाँ पर ये जॉकी, ये पेन टाइप का एक्सपेरिमेंट जो बताया था वही है, ये आपका पेन टाइप का, जैसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या करना है, इसको टच करना है, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर क्या करना है, टच करा करके फिर वही क्या करना है, बैलेंसिंग लेंथ देखना है। लेकिन इसमें सबसे पहली बात क्या करनी है कि यहाँ से हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस को हम खोल लेंगे, रेसिस्टेंस क्या लेंगे हम, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ, यहाँ ये एयर गैप हो गया, तब ये डिसकनेक्ट हो गया, तो अब जो यहाँ पर ईएमएफ निकलेगा इसका, तो यहाँ पर फिर जब हम लोग बैलेंस पॉइंट निकालेंगे तो कहने का मतलब अब ये रहा ही नहीं, यही ना मतलब हो गया, क्या मतलब हुआ, ये डिस्कनेक्ट हो गया, बात खत्म है, तो ये सिंपल यही हो गया। तो पहले जैसे मान लो कि ई वाली जो बात थी बैटरी की, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू के, और जो भी हम लोग बैलेंसिंग लेंथ अगर इसके लिए लेते हैं सपोज एल वन, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल वन हो जाएगा, यही ना हुआ, फिर तो वही बात हो गई ना, ये ख़त्म ही हो गया, ये बैटरी लिया और इससे हम लोग ई के एल वन निकाल लिया। अब दूसरी बात अब यह है कि यहाँ पर अब क्या किया, रेसिस्टेंस बॉक्स को डाला, क्या किया यहाँ पर, आर बी रेसिस्टेंस बॉक्स को यहाँ पर डाला, और उसके बाद अब यहाँ से कोई भी रेसिस्टेंस निकाल लिया, कोई रेसिस्टेंस जो आपकी इच्छा हो, 50 ओम, 100 ओम, जो भी आपकी इच्छा हो अब यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं कि अब रेसिस्टेंस बॉक्स से क्या किया, मान लेते हैं कि आर रेसिस्टेंस को निकाल लिया, कितना रेसिस्टेंस को निकाला,
है ना, और यहाँ पर आरबी से क्या निकाला, इनफाइनाइट निकाला, क्या निकाला, इनफाइनाइट निकाला, और यहाँ क्या निकाला, आर निकाला, आर निकाला, आर मतलब रेसिस्टेंस सिंपली, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। तो अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर अब इस सर्किट में, यह जो आप सर्किट देख रहे हैं, इसमें हम यहाँ पर किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। जरा ध्यान से देखिएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर ये रेसिस्टेंस बॉक्स है, मतलब आर रेसिस्टेंस तो हमने यहाँ पर ले ही लिया है ना, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या हो गया, अब यहाँ पर आपका आर हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, और यहाँ पर ईएमएफ हो गया, है ना। यहाँ पर जरा ध्यान से देखिए, नहीं तो, हाँ इसलिए जरा कंसेंट्रेट होकर के देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये ईएमएफ है, और ये आर है, और ये कैपिटल आर है, और यहाँ पर हम ये लगा रहे हैं कौन सा, किरचॉफ्स लॉ को लगा रहे हैं, है ना, किरचॉफ सेकंड लॉ, जिसको कि वोल्टेज रूल कहते हैं, है ना, केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज रूल सेकंड लॉ। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि इसके हिसाब से ऐसे मान लो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ये बैटरी है, तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकंड लॉ को, और क्या कहा जाता है, बहुत चीज कहा जाता है इसको, केवीएल भी कहा जाता है, मेस रूल भी कहा जाता है, है ना, लूप रूल भी कहा जाता है, केवीएल भी कहा जाता है, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल, ठीक है। ये लगाया तो होता क्या है साहब, सम ऑफ आई आर इक्वल टू सम ऑफ ईएमएफ। और ध्यान दीजिएगा, बस यही सब तो फर्क आता है, क्योंकि हम जो बता रहे हैं आपको, हम अपने तरीके से बता रहे हैं, मान लो ये अगर किसी फिर यहाँ दूसरे का देख लोगे तो यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, चूँकि उनका तरीका अलग होगा, उस किताब का तरीका अलग होगा। इसलिए होता है कि जो टीचर एक बार आपको पढ़ाते हैं वो सेट रखिए माइंड में, ऐसा नहीं कि अलग अलग होता है, लेकिन एक तरीका उसी को फॉलो करना है, नहीं तो हाल बोल ही दिए हैं। कौन सा हाल होगा, राम खुदैया वाला हाल हो सकता है, इसलिए एकदम वो सेट कर लेना है। इसलिए सब टीचर का जो अपना अपना होता है पढ़ाने का और पढ़ने का भी होता है, तो उसी को आप सेट करके चलते रहिए, नहीं तो आधा मेरा आधा दूसरे का, फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ गए ना, ठीक बात है। तो सम ऑफ, लेकिन रिजल्ट वही आएगा, ऐसा नहीं कि रिजल्ट में कोई फर्क पड़ने वाला है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, ठीक है। तो सम ऑफ आई आर इक्वल टू सम ऑफ ई एम एफ, सम ऑफ आई आर इक्वल टू सम ऑफ ई एम एफ। तो हम जो तरीका आपको बताए हैं, तो यहाँ पर ये देखिए, तो कौन वाइज हुआ, कौन वाइज हुआ, ये कौन वाइज हुआ, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, चलिए पहले इसी की बात कर लें, तो माइनस आई आर, फिर माइनस आई इंटू स्मॉल आर होगा ना, उसके बाद क्या, अब बैटरी, बैटरी का हम क्या तरीका आपको बताएं, ऐसे चलना है ना, ऐसे चलना है, कौन वाइज हुआ देखो तो जरा, कौन वाइज हुआ देखो तो जरा, एंटी क्लॉक वाइज क्या होगा फिर, तो ये भी हो गया निगेटिव, तो सब हो गया, इसका मतलब सब हो गया पॉजिटिव, आई बात समझ में, तो इसका मतलब सब निगेटिव का मतलब सब पॉजिटिव इक्वल टू ई। अब आई इंटू आर, ये देखिए आई इंटू आर, ये जो आई इंटू आर हुआ, ये इसके बीच का क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, भी इक्वल टू आई आर होता है, तो यहाँ हो गया ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, प्लस आई इंटू आर हो गया इक्वल टू ई एम एफ हो गया, तो इसका मतलब आई इंटू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम एफ माइनस वी हो गया, आई आर इक्वल टू ई एम एफ माइनस वी हो गया, तो इसका मतलब आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन क्या हो गया, ई माइनस वी अपॉन क्या, आई हो गया। फिर जरा ध्यान से देखिए, तो जैसे ही अब ये e माइनस वी अपॉन आई हो गया, तो आई को क्या लिख सकते हैं, वी अपॉन आर लिख सकते हैं, तो इसको दे दीजिए वी अपॉन आर, ठीक है। तो क्या हो गया, अब जरा देखिए, तो आर ऊपर चला गया, हो गया ना, आर ऊपर चला गया, और यहाँ क्या हो जाएगा देखो, तो e माइनस वी अपॉन वी, और ये हम लोग क्या निकाले, क्या निकाले, क्या निकाले, इसको इंटरनल रेसिस्टेंस निकाले। तो जरा आप यहाँ देखिए, तो अब इसको हम हटा देते हैं, ये क्लियर हो गया ना, हटा दें डायग्राम को, चलिए जरा देखिए, तो अब आर कितने के बराबर हो गया,
कितने के बराबर हो गया, बोलते चलिए आप लोग भी, आर इंटू ई माइनस वी अपॉन, इसका मतलब ई अपॉन वी माइनस वन। आपको क्या चाहिए, ये मान लो इक्वेशन, इधर इक्वेशन कुछ लिए थे, यहाँ पर देखिए वन और टू लिए थे ना, तो देखिए आर भी अगर हम लोग यहाँ पर आर निकाल लिया कुछ भी तो क्या देगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू। अब यहाँ जरा देखिए ई कितने के बराबर था, कितने के बराबर था, के एल वन, और फिर यहाँ पर भी कितने के बराबर होगा, जब हम लोग इस सर्किट को लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एल टू, फिर बैलेंसिंग पॉइंट लेंगे ना, तो ई वाई भी कितने के बराबर आ जाएगा, यहाँ देखिए ई कितने के बराबर हुआ, के एल वन, फिर भी कितने के बराबर होगा, के एल टू। अब यहाँ देखो फर्क क्या होगा कि यहाँ पर ई लिए और यहाँ क्या लिए, हम भी लिए, क्यों लिए, इसलिए कि देखो जब सेल में कहीं भी यहाँ से कोई करंट पास नहीं कर रहा था तो ई निकला, लेकिन यहाँ पर अब ये करंट पास इसमें कर रहा है तो ये क्या देगा, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देगा, क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। और अगर सेल यूज में आपका नहीं है तो उसका जो टोटल होगा, जैसे 1.5 वोल्ट जो कोई भी सेल लेते हैं लिखा हुआ होता है, तो जब वो यूज़ में नहीं है तो 1.5 वोल्ट जैसे कनेक्ट हो जाएगा तो उसका वैल्यू जो है कुछ चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा, और दोनों को डिवाइड करिए तो क्या मिला, दोनों को डिवाइड करिए, यहाँ देखिए क्या मिला, ई वाई भी क्या मिला, एल वन अपॉन एल टू। और क्या करना है इसको, क्या करना है इसको, इक्वेशन टू में पुट कर दीजिए, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इंटू ई बाई भी के स्थान पर एल वन अपॉन एल टू माइनस वन। तो अब देखिए बस यही आपका मेन फार्मूला है जिसके द्वारा कि इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं, जिसके द्वारा इंटरनल रेसिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। और हालांकि हमने स्मॉल आर का यहाँ पर इस तरह से किरचॉफ लॉ लगा करके आर का वैल्यू निकाला, और अगर ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद रखते हैं तब डायरेक्ट आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, इतना निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर इसका वैल्यू आप याद रखिए, और बेटर है कि याद रखिए, तो इतना की कोई ज़रूरत आपको इसमें नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट आर का वैल्यू रखिए, और ई और वी का रेशियो यहाँ पर जो आया, ई बाय वी कितना आया, एल वन अपॉन एल टू आया। तो यहाँ भी इसमें आपको काम किसका पड़ा बताओ तो जरा, काम किसका पड़ा, एल वन और एल टू, दो ही चीज़ का काम पड़ा ना, किसका काम पड़ा, एल वन और एल टू। तो यहाँ पर एक बार एल वन मिल गया, और दूसरे बार जैसे ही रेसिस्टेंस का वैल्यू हम लोग कुछ भी खोले, आर मान लो 20 ओम, 50 ओम, 100 ओम, जो भी खोले, तो तरीका क्या हुआ कि एक बार इनफाइनाइट खोल लिया, इनफाइनाइट खोलने का मतलब रेसिस्टेंस बॉक्स कनेक्शन में है ही नहीं, आई बात समझ में, इनफाइनाइट का मतलब एयर गैप हो गया, डिसकनेक्ट हो गया, इसका मतलब रेसिस्टेंस बॉक्स उसमें है ही नहीं, ठीक है। तो ई का वैल्यू दिया, जब वो कनेक्शन में है ही नहीं तो ई का वैल्यू दिया, लेकिन जब उससे कुछ भी करंट अगर आ जाता है तो वो क्या देता है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू देता है, आई बात समझ में। और ये हमने कहा भी था आपको पहले भी कि अगर स्मॉल आर ख़त्म हो जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस और ई देख लीजिए दोनों सेम हो जाता है ना, अगर स्मॉल आर ख़त्म हो जाए तो वी और ई बराबर, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस ख़त्म हो जाए तो वी और ई यहाँ बराबर हो गया, बात समझ गए। तो यहाँ पर जो है L1 और L2 को निकालिए, और कैपिटल R तो जो भी आपने रेसिस्टेंस बॉक्स से खोला है वह वैल्यू जो भी है 50 ओम, 100 ओम, जितना आपने खोला है वो यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, तो इंटरनल रेसिस्टेंस का जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी बैलेंसिंग पॉइंट निकाले और आराम से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। बोलिए यहाँ पर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, क्लियर हो गया, तो यहाँ पर नीचे अब लिख दीजिए आफ्टर नोइंग क्या क्या चाहिए साहब, आर एल वन एंड एल टू वी डिटरमाइन
द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इजिली, आराम से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर नोइंग आर वन एल एन एल वन एंड एल टू वी डिटरमाइन या वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इजिली, आराम से हम लोग स्मॉल आर को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत है? ये बात क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया स्मॉल आर के लिए? तीन चीज़ की ज़रूरत है, कैपिटल आर की ज़रूरत और एल वन की ज़रूरत और एल टू की ज़रूरत। तो कैपिटल आर तो जो हमने रेसिस्टेंस बॉक्स से खोला वही हो जाएगा, और एल वन और एल टू क्या हुआ, उसका बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगा। बात क्लियर हुआ? तो इस तरह से हम दो काम किए हम लोग इसमें। क्या क्या काम किए? एक तो सेल के ईएमएफ का रेशियो निकाला, है ना, इवन कि सेल का ईएमएफ भी निकाल सकते हैं, है ना, और सेल का जो ईएमएफ है, कोई भी दो सेल का ईएमएफ, उसका रेशियो निकाले और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस निकाले विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। और एक बार फिर से पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या काम करता है, अगर क्या क्या सेम होना चाहिए, आई सेम होना चाहिए, रो सेम होना चाहिए और ए सेम होना चाहिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम होना चाहिए, करंट को समान पास करना है और वायर तो जो है सेम हो रहेगा ही, तो वायर जब सेम होगा तो रो भी क्या होगा, समान होगा। आई बात समझ में? तो ऐसे स्थिति में वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो काम यही क्या ना प्रिंसिपल, यहाँ पर वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इफ आई रो ए आर कॉन्स्टेंट देन वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, है ना, और यही जो है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर होता है। बोले इसमें कोई दिक्कत है? एनी बॉडी एनी क्वेश्चन? थैंक यू वेरी मच। तो आज इतना ही, थैंक यू।